ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां कोरोना के खतरे को रोकने के लिए एक एक कर सभी घरों को नगर निगम सैनिटाइज कर रहा है। प्रशासन के इस कदम की न केवल तारीफ हो रही है, बल्कि लोग बाग इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा देश इस समय कोरोना से जंग की तैयारियों में जुटा है। केंद्र और राज्य की सरकारें एहतियातन वो तमाम कदम उठा रही हैं जो कोरोना के प्रभाव को बेअसर कर सके। जरा यूपी के सीतापुर की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ कैसे राहगीरों के हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब जरा नोएडा की सोसाइटी की तस्वीरों को देखिए, जहाँ कैब की नो एंट्री के साथ ऑनलाइन खाना मंगाने पर भी रोक के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। मतलब ये कि लोग जानने लगे हैं कि एहतियात ही कोरोना से जंग का सबसे बड़ा हथियार है। लोगों के जज्बे को देखते हुए सियासतदान भी हैरान हैं। वो मान रहे हैं कि भारत में कोरोना वैसा कहर नहीं बरपा सकेगा जैसा वो दुनिया के कुछ मुल्कों में बरपा रहा है। एहतियात पूरा बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तान में वो असर नहीं होगा जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आम और क्या खास, कोरोना का खतरा सबको सता रहा है। सितारे भी अपनी सुरक्षा के साथ ही साथ फैंस को भी सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते कई बॉलीवुड स्टार्स ने खुद को घर में पैक कर लिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में लेने का फैसला किया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर हाथ की एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक स्टैंप लगी है। इस स्टैंप में सेल्फ आइसोलेशन यानी क्वारंटाइन होने के बारे में लिखा गया है। बता दें कि यह स्टैंप बीएमसी की ओर से उन लोगों पर लगाई जा रही है जो क्वारंटाइन में है। ये इसी स्टैंप का असर है कि मुंबई से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस से कोरोना संक्रमित चार मुसाफिरों को महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन पर गाड़ी रोककर उतारा गया। ये मुसाफिर मुंबई से सूरत जा रहे थे। इनके हाथ पर कोरोना संक्रमित के चलते आइसोलेशन में रखने वाला ठप्पा भी लगा हुआ था। हेल्थ डिपार्टमेंट के दस्ते ने इनकी जाँच की और इन्हें फिर से आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। जाहिर है अभी भी लोगों को जागरूक करने की दरकार है। कोरोना के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग सर्कुलर निकाल करके सारे प्रदेश यूनिट को इस बात के लिए भी कहा है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में कोरोना के बारे में सतर्कता करें और सतर्कता के साथ साथ लोगों को बताएं क्या करना क्या नहीं करना, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, और साथ ही साथ इसमें हम पैनिक न करें। बहरहाल जिससे जितना मुमकिन हो रहा है वो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी हिस्सेदारी निभाता नजर आ रहा है। धार्मिक स्थलों में भी भीड़ जमा ना हो इसकी कोशिशें जारी हैं। जरा शिव की नगरी बनारस की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ की पंचकोशी यात्रा में शामिल हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और साईं मंदिर को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मंदिर के बाहर पोस्टर चस्पा किया गया है जिसमें लिखा गया है कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। ऐसे ही गंगा आरती भी फिलहाल रोक दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति, खबरों की दुनिया में धमाका, सबसे पहले सबसे सटीक, बस एक क्लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया। www.zhindustan.in